गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ए एस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने इससे पहले 6 वीडियो डाल दिए हैं, ये 7वां वीडियो है। और आज हम इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में प्रार्थना हो, आशीर्वाद हो, अभिशाप हो, या फिर शुभकामनाएँ हो, ठीक है, या कोई इच्छा व्यक्त की गई हो या दुआ दी गई हो, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रार्थना वाले वाक्य होते हैं, ब्लेस आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, अभिशाप वाले वाक्य होते हैं, ब्लेस का अपोजिट होता है कर्स, ठीक है, इच्छा वाले वाक्य होते हैं, विश वाले, प्रार्थना आशीर्वाद अभिशाप इच्छा वाले जो वाक्य हैं उन्हीं को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 रूल पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट रूल है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल आ जाता है, तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में बैड करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे? बैड कर देंगे। गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल विदाई से संबंधित है। जब हम अलग हो रहे हैं या फिर किसी को विदा कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्ड है गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, ये बोलते हैं। ये सेंटेंस में आ जाते हैं। कौन से सेंटेंस में? इनवर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पे, सेड के स्थान पे बैड कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, ये आ जाता है। तो ये क्या है? विदा करने वाले वर्ड नहीं है, है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, इन वर्ड्स में हम सामने वाले का अभिवादन करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड डे, ये इस प्रकार के ये गुड विशेष वर्ड जो हैं ये सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, आई मीन इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम करते हैं सेड के स्थान पे विश्ड, ठीक है। दोनों ही रूल में हम कंजक्शन यूज नहीं करते हैं, नो कंजक्शन, ठीक है, नो कंजक्शन। गुड विशेष वाले वर्ड आ जाए, ठीक है, सी ऑफ वाले वर्ड आ जाते हैं, तो हम इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में कंजक्शन यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस है, देखिएगा, द लीडर सेड फेयरवेल माई कंट्री मैन, नेता ने कहा फेयरवेल माई कंट्री मैन, अलविदा मेरे देशवासियों। कंट्री मैन मीन्स देशवासियों, फेयरवेल मीन्स अलविदा, सी ऑफ, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये फेयरवेल क्या है? ये वर्ड आ गया है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है? सेड के स्थान पे बैड है। देखो, द लीडर सेड के स्थान पे कर दिया हमने बैड, ठीक है। अब कंजक्शन, हमें कोई कंजक्शन नहीं लगाना है। अब माई कंट्री मैन है, माई को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, लीडर है, सब्जेक्ट को ही मान लेते हैं हम, ये ही है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हिज, ये हमने यहाँ पे हिज कर दिया, कंट्री मैन का कंट्री मैन, ये कंट्री मैन कर दिया, और फेयरवेल का फेयरवेल, ये लो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये जो सी ऑफ वाले वर्ड हैं, गुड विशेष वाले जो वर्ड हैं, इनको हटाते नहीं हैं, ठीक है, ये आए हैं, उनको वैसा का वैसा सेंटेंस में रखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। आंसर है द लीडर बैड हिज कंट्री मैन फेयरवेल। और डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सैड गुड बाय किस्मत, उसने कहा कि अलविदा किस्मत। तो ये गुड बाय आ गया,
देखो ये सी ऑफ वाले जो वर्ड हैं उनमें हमें रिपोर्टिंग वर्ब में बैड करना है। सी सैड के स्थान पे कर दिया हमने बैड, और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लो। सी बैड किस्मत, गुड बाय, गुड बाय। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सेकंड डे क्वेश्चन को भी इनडायरेक्ट में बदल लिया है। सी बैड किस्मत, गुड बाय, उसने किस्मत को अलविदा कहा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू द बॉस गुड मॉर्निंग सर, उसने अपने बॉस को कहा गुड मॉर्निंग श्रीमान। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया है, ये गुड विशिंग वर्ड है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। गुड विशिंग है तो विशिंग कर रहा है ना, तो विश कर देंगे। देखो ये गुड मॉर्निंग, इवनिंग, गुड डे ये आ जाता है तो हमें विश करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ही सेड के स्थान पे विश्ड टू हट गया द बॉस, द बॉस। कंजक्शन हमें इस प्रकार के सेंटेंस में लगाने नहीं होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको हटा देंगे। लास्ट में आए हुए एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा देंगे और इसके स्थान पे फुल स्टॉप कर देते हैं। उसने अपने बॉस से गुड मॉर्निंग कहा। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, थर्ड रूल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें दैट कंजक्शन यूज करना होता है, ठीक है। और वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। भी किसी वाक्य में प्रार्थना आई है तो हम क्या कर देंगे, प्रेड कर देते हैं। प्रार्थना आती है तो प्रेड कर देंगे। आशीर्वाद है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। किसी ने अभिशाप दे दिया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्रस्ट में चेंज कर देंगे। क्रस्ट का मतलब अभिशाप देना, ब्लेस है ये क्रस का अपोजिट है, ठीक है। हाँ तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हमें दैट कंजक्शन यूज करना है और वाक्य के भाव के अनुसार प्रेड, विश्ड, क्रस्ट, ब्लेस्ड ये करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, मेरी माँ ने मेरे फ्रेंड से कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु होवे, आपकी लंबी उम्र हो। ये सेंटेंस है तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। माई मदर का माई मदर आ गया, तो ये क्या कि इसने प्रार्थना की है, माता मित्र के लिए प्रार्थना कर रही है कि आप दीर्घायु होवे। तो माई मदर प्रेड विस्ट ब्लेस्ड, तीनों ही सही हैं। भी पेपर के अंदर आपके कौन सा भी आ जाए तो वो सही है, इन तीनों में से देगा आपको एक ही, ठीक है। माई मदर सेड टू माई फ्रेंड, तो माई मदर प्रेड विस्ड ब्लेस्ड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ये कर दिया हमने। यहाँ तक पहुँच गए, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और दैट कंजक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब यू को चेंज करते हैं फ्रेंड के अनुसार। फ्रेंड क्या है, ही है, ठीक है। तो यू यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, लिव, यहाँ पे मैन वर्ब है। भी मैन वर्ब से पहले यू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म है, बताया था मैंने आपको। मैन वर्ब के बाद में यदि यू आता है तो वो थर्ड फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे यू पहली फॉर्म है, तो फ्रेंड ही है तो ही पहली फॉर्म है, ही भी पहली फॉर्म है, तो यू के स्थान पे ही आ जाएगा। यू के स्थान पे ही कर दिया। अब पास्ट, मे को पास्ट में चेंज करेंगे। मे का पास्ट होता है माइट, माइट हो गया, ठीक है। अब लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग आ जाएगा, लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये हट जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। ये इस प्रकार से हमने इसको इन दैट में चेंज कर लिया है। माई मदर प्रेड या विस्ड या ब्लेस्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड टू हर, उसने उसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे। ये सेंटेंस है तो इसको भी हम सी सेड टू के स्थान पे कर देंगे प्रेड, क्योंकि इसने प्रार्थना की है। प्रेड हर
कंजक्शन यूज करेंगे किस प्रकार के सेंटेंस में? दैट गॉड सब्जेक्ट है इसमें, गॉड का गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज। मे का क्या कर देंगे? माइट, क्योंकि इसको पास्ट बनाना है हमें, ठीक है। अब देखो ये ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना होता है, ये क्या है? मैन वर्ब है, ठीक है। मैन वर्ब के बाद में यू आया है तो ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ब्लेस, ब्लेस का ब्लेस आ गया। अब यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, यू यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और हर भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो यू के स्थान पे हर, यू के स्थान पे हर कर दिया हमने। आगे ना विद ए सन सेम आ जाएगा, विद ए सन एक्सक्लेमेटरी मार्क के स्थान पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी हमने इंडाइट में चेंज कर लिया। आंसर है सी, प्रेड हर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, मे यू डाई सून, आप जल्दी ही मर जाओ। बद्दुआ दी है, आप जल्दी ही मर जाओ, ये बद्दुआ दी है, तो ये क्या है? अभिशाप है। और सेड टू के स्थान पे कर देंगे क्रस्ट, ही सेड टू के स्थान पे हो गया क्रस्ट, अभिशाप दिया हर उसे। दैट कंजक्शन यूज करते हैं, डाई मीन्स मरना, मैन वर्ब है और मैन वर्ब से पहले यू आया तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यू को चेंज करते हैं हर के अनुसार, हर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी, ठीक है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सी मे को चेंज करेंगे माइट में, माइट, ठीक है। अब डाई वर्ब आ गई है, डाई सोन का सोन, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमने इंडाइट में चेंज कर लिया है। आंसर है ही क्रश्ड हर दैट सी माइट डाई सोन, उसने उसे जल्दी मरने का अभिशाप दिया। तो इस प्रकार से हमने आज ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ा है, इसके एग्जाम्पल देखे हैं किस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।